अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में निलंबित सहायक परीक्षा नियंत्रक तुमी गंगका का शव फंदे से लटकते हुए पाया गया है। पापुमपरे जिले के टूपी गांव में उनका शव पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एपीपीएससी पेपर लीक मामले में उन्हें सस्पेंड किया गया था और इस बीच आज उनका शव फंदे से लटकते हुए मिला। उनकी मौत की जांच पुलिस कर रही है और जान में जुटी है कि आखिर ये साजिश था या उन्होंने आत्महत्या की। तुमी गंगका एपीपीएससी परीक्षा के दौरान असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप में तैनात थे। इस संदिग्ध मौत पर एसपी का बयान आपको हम सुनाते हैं। अराउंड 1 o'clock 1 PM हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि एक बॉडी जो है हैंगिंग कंडीशन में डिस्कवर किया गया है। दिस इज ऑन द रोड साइड पाया गया कि दिस इज वन तुमी गंगका 49 ईयर्स ओल्ड। ये गंगकक विलेज से बिलोंग करते हैं, POPS यमचा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे पी सेक्टर ईटानगर में इनका गवर्नमेंट क्वार्टर है, रेसिडेंस है और एज ए अंडर सेक्रेटरी APPSC में इनका पोस्टिंग था पहले। एंड अभी ड्यू टू दी APPSC स्कैम इनका सस्पेंशन अंडर सस्पेंशन थे। तो कल फर्दर ये रिपोर्ट हमें मिला है कि बॉडी हैज़ बीन फाउंड जैसे बताया है हैंगिंग कंडीशन में मिला है। ऑल दी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड एक इसको हम एक अननेचुरल डेथ केस है ये। एंड फर्दर PM विल बी कंडक्टेड एंड ओनली आफ्टर PM वी विल बी एबल टू एसर्टेन व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ।